नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, नेता नहीं है हम, सांसद विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए, अब तय करके आए हैं कि जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, वो सब कुछ बिहार में लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते। हम वोट वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है। अभी एक महीना के बाद चुनाव होगा, हम चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। आप लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा, अगर वोट नहीं मांगिएगा, दल नहीं बनाइएगा, बिहार कैसे सुधरेगा? इसी देश में गांधी ने पूरे देश को आजाद कराया। गांधी जी आपके पुरखों से वोट मांगने नहीं आए थे, वोट लेकर देश आजाद नहीं कराया गया। गांधी जी ने इसी समाज को जगाया, ये बताया कि अपने और अपने बच्चों की आजादी के लिए जगो, खड़े हो। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब देश आजाद हुआ। बिहार में हम लोग पूरा समय इसी में लगाते हैं कि बिहार में गरीबी क्यों है। कोई कह रहा है कि जाति बहुत है इसलिए बहुत गरीबी है, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। एक बार को मान लीजिए कि जिसको भी आपने वोट दिया, जिसने भी बिहार में राज किया, वो सब ने कुछ ना कुछ अच्छा ही काम किया। मान लीजिए इस बात को, मान लिया जाए कि कांग्रेस ने 40-45 साल बिहार में खूब काम कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो सामाजिक तौर पर गरीब पिछड़ा वंचित था, उसको आवाज मिल गया, सम्मान मिल गया। ये भी मान लीजिए कि 18 बरिस के नीतीश के राज में थोड़ा बहुत सड़क सुधर गया, बिजली आ गया। लेकिन अगर सब के बात को सही मान भी लिया जाए, तो भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है। तो कोई आदमी ये बताएगा कि जिस रास्ते पर चल के हम लोग पिछला 50 साल में आए हैं, इस रास्ते से तो बिहार का कल्याण नहीं हो सकता। अगर होना होता तो 50 वर्ष में हो गया रहता। जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे निकल गया। हमारे आपके बच्चे जाकर तमिलनाडु में मजदूर बन गए। गुजरात हम बिहार से पीछे था, गुजरात में आज जाकर हम लोग के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। दिल्ली में गार्ड बन रहा है, पंजाब में खेत काट रहा। तो जो लोग भी बिहार में रहते हैं, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग बैठ के चिंतन करें, सोचें कि आखिर गलती कहाँ हो रही। कुछ लोग कहता है कि यहाँ जाति है इसलिए बहुत खराब है। मेरे भाई, हम पूरे देश में काम किए हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ जाति नहीं है। गुजरात में जाति नहीं है, कर्नाटक तमिलनाडु में जाति नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाति नहीं है, हर जगह जाति है। सिर्फ अगर जाति से राज्य गरीब होता तो कर्नाटक भी गरीब रहता, तमिलनाडु भी गरीब रहता। कुछ लोग कहता है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, तो मैं पूरे देश में काम किया है, मैंने बहुत जिम्मेवारी से आपको बता रहे हैं, किसी भी राज्य में नेता हरिश्चंद्र नहीं है, कम या ज्यादा चोरी हर जगह हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बात बिहार में है जो हम लोग को सबसे पीछे किया, वही बात बताने के लिए घूम रहे। वोट वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपसे 3 सवाल करेंगे, आपको हाँ या ना करके जवाब देना है, और आप खुद ही देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपके गरीबी का कारण क्या है और उसे निकलने का उपाय क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए,
ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दूसरे गांव में जाकर वही बात कहेंगे। दुनिया में जितने लोग विद्वान हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का तीन गो रास्ता है, तीनों गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो तो खेती किसानी करके भी गरीबी दूर हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यही तीन रास्ता है, नौकरी, खेती की व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती अगर चाहिए तो उसके लिए आपके पास जमीन होना चाहिए। और व्यापार करना है तो पैसा, पूंजी होना चाहिए। आप पूरे बिहार को देख लीजिए, अपने गांव को भी देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं। उसका बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, घर चला आया। आप में से कुछ लोग पैसा वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन करवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। कोई बन जाए नेता, लालू जी बन जाए कि मोदी बन जाए, आपका बच्चा अगर अनपढ़ है तो उसको कोई राजा नहीं बना सकता। एक दरवाजा पढ़ाई नौकरी वाला बंद हो, दूसरा दरवाजा है खेती जमीन। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके पंजाब में आदमी इतना राजा हो गया कि बिहार भर का बच्चा जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा। आप खेती से जीवन क्यों नहीं सुधार पाए? वो इसलिए कि बिहार में जितने लोग रहते हैं, आप अपने गांव में भी देख लीजिए, हमको पूछने का जरूरत नहीं, आप जाके जांच लीजिएगा। 100 आदमी जो यहाँ अगर आया है तो 100 में 7 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? अगर 40 आदमी बच गया, 100 में 40 आदमी जिसके पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता, बहुत छोटे किसान हैं यहाँ। तो जो लोग यहाँ खेती करता है वो आमदनी के लिए, कमाने के लिए खेती नहीं करता, वो खाने के लिए खेती करता। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाला हर आदमी जानता है, अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, एक दो कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके लिए पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से कमाई का दरवाजा बंद, एक रास्ता बचा बिजनेस व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर कर्ज भी दे दे, कुछ नहीं करते, 5 गो गाय भैंस को जरूर पाल सकते थे। कोई दुकान खोल लेता, कोई गाड़ी चलवा लेता, कोई ना कोई काम आप कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में चाहे नेता लोग कितना अपना सीना ठोक ले, मोदी भी चाहे जितना बड़का बड़का बात बोल दे, सच्चाई ये है कि सरकार का आंकड़ा बताता है
कि बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते। अगर इस महंगाई के जमाना में आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा। यही कारण है कि लालू जी आके आपको आवाज दे दे, आखिर नीतीश आकर बिजली सड़क दे दे, मोदी 4 किलो अनाज बांट दे कि मंदिर बनवा दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। सरकार तो ये सब काम किया ही है, सड़क बन गया, बिजली आ गया, 4 किलो अनाज मिल रहा है, 400 रुपया पेंशनों भीख में दे रहा है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाढ़ कम आ रहा है, लेकिन आपकी गरीबी नहीं खत्म हुई। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके खेती से आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार के लिए सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि घर घर लोग कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि अगर यही 3 रास्ता है तो ये होगा कैसे, यही अभी 10 मिनट में बताएंगे आपको। वो रास्ता बताएंगे कि आपको वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन जिस रास्ते को बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए 3 दरवाजा खुल जाएगा, न खुले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब हम भाषण खत्म, 3 सवाल आपसे अब पूछेंगे, हर सवाल का आपको जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और निकलने का क्या उपाय है। जितने लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलिए भैया, आप हम लोग को हमको दूध पिला रहे हैं, अपना आवाज नहीं निकाल रहे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हम नहीं बोले, गांव भर का आदमी बोला है। आपने देखा कि ना भैया, पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, महिला पुरुष गरीब अमीर बूढ़ा बुजुर्ग सब ने कहा कि ना भैया, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी हर आदमी को है। आपको मालूम है आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पाले तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना जब आप समझदार हैं तो काहे गरीबी में जी रहे हैं, अभी दिखाते हैं। अब सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। देखिए अपने गांव का दशा देखिए, अभी कितना समझदार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए। आप नेता काम नहीं करता है उसको गाली देते हैं कि नेताजी हम लोग के बच्चे का ध्यान नहीं दिया। आपको तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं, आपको अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं। छोड़िए पढ़ाई का बात, कुछ आदमी कहेगा कि पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं, कैसे देते पढ़ाई पर वोट, तो पढ़ाई का बात छोड़ दिया जाए। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया था रोजी रोजगार का। सबको मालूम है अगर यहाँ एक फैक्ट्री खुल जाए आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। आपको मालूम है अगर फैक्ट्री यहाँ लग जाए आपके बाल बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक जीवन में फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। खेती तो आप सब लोग करते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे आपने लालू जी को वोट दिया कि मोदी को वोट दिया, अभी 2-2.5 महीना पहले धान बेचे होंगे, धान का कीमत है 2100 रुपया क्विंटल, आप बेचे 1600 में 1700 में,
सबको मालूम है अगर धान का सारे 2100 रुपया आपको मिलता आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है जो धान गेहूं आलू के दाम के लिए मकई के दाम के लिए वोट दिया है। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई ये कहेगा कि भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? हम अभी आपको बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को ये मिलेगा ही मिलेगा, ना मिले छोड़ दो भाई, ना मिले तो आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा? सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपके लिए आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? जोर से हाथ उठाकर जोर से बोलिए भैया, सुनाई देना चाहिए, किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, पूरा गांव सहमत है, वोट जिसको भी दिए काम नहीं हुआ। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। आप लोग मुंह से बोलिएगा ना तो ना बुझाएगा, हम गला फाड़ रहे हैं, आपको हाँ या ना तो जरूर बोलना है। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, लालू जी के राज में बिजली नहीं था तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया हिंदू बनके हिंदू मुसलमान के नाम पर अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को, कि भैया नौकरी हो चाहे नहीं, खाना रोजगार हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे बोलो भैया, बना कि नहीं बना? इतना आप लोग गाय भैंस पाले हैं, अब मुंह से आवाजे नहीं निकल रहा है, कैसे होगा? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को, कि हमारा जात का नेता जीतेगा तो हमारा कुछ काम होगा। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति की चर्चा और जाति की जनगणना पूरे बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी का मुंह देख के वोट दिए हैं। तब 5 वर्ष आपका सांसद विधायक आपको मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा सुबह शाम टीवी में अखबार में मोबाइल में 5 वर्ष से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे दिख रहा है मोदी जी का चेहरा कि नहीं दिख रहा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो भैया मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कोरोना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला, आप लोग तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए।
यही बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट वोट नहीं मांगते, आपको यही आईना दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके फसल का दाम कैसे मिलेगा, यही बताने के लिए घूम रहे हैं, यही गांव गांव जाकर बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा, जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब जरा तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपनी दुर्दशा का असली कारण दिखेगा, फिर आपको उससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। जरा सब लोग सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। जब हाथ उठाकर बताइए जिसको, उसको जोर से बोलिए, भैया सबका हाथ उठना चाहिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव बोला है, अब पीछे हटने का बारी नहीं है। हम आपको कह रहे हैं, आप लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाकर कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पिछला 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, 18 महीना में 5000 गांव में पैदल गए। रास्ता में अगर आपके गांव जवार के 100 गो बच्चे मिले, आपका अगर 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। जितने बच्चे आपके मिले हैं यहाँ पर भी देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। आज शुक्रवार है, सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी के गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। आप कह रहे हैं कि भैया हम इतना गरीब हैं, कैसे अपने बच्चों को कपड़ा पहनाए। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को इतना गरीब बना दिया, आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता भी 1 महीना के बाद आएगा, आपसे कहेगा वोट दो, और आप लोग जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाकर, इसी उंगली से जाति और धर्म के नाम पर जाकर वोट दबाइएगा तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा, कैसे होगा आपके बच्चों का भला। आपने कहा हमको हमारे बच्चों की चिंता है, अगर आपको आपके बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते नहीं देते। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं, लोग कह रहा है आप आए हैं हमको देखने, आप अपना दुर्दशा देखिए, आप हमको देखने आए हैं किसी दूसरे के बच्चा को, कि कौन आदमी है अपना घर परिवार छोड़कर 17-18 महीना से पैदल चल रहा है। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, भाई, बेटा, भतीजा, बाबूजी आपको छोड़कर सालों साल से मजदूरी करने नहीं गया है। जो लड़के आपके घर से जवान लोग बाहर गए हैं, वो छोटा छोटा कमरा में शहर में 4-5 लड़का रहता है, 10-12 अपना हार गलाता है, वहाँ पेट काटता है, गाली सुनता है, 6,000-8,000 रुपया घर भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, चाची वोट काहे दिए थे, ए भैया वोट काहे दिए थे, आदमी कहता है का करे भैया, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को, मियां जिलों को सबक सिखाना था इसलिए वोट दे दिए। कोई कह रहा है कि लालू जी को जिताना था इसलिए वोट दे दिए।
कोई कह रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है इसलिए वोट दे दिए। बताइए बिहार में लोगों की दुर्दशा, आप अपने गांव में बैठ के लालू जी कैसे जीतेंगे ये आपको समझ है, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इसका समझ है, मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया हुआ है ये नहीं दिख रहा है। आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगे, यही बात बता रहे। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते, आपको हुआ है चीनी का रोग और नेता सब आकर आपको गुड़ और मिठाई लड्डू खिला रहा है, आप जितना खा रहे उतना शरीर गलते जा रहा है। मेरे भाई आपको करेला का रस पीने की जरूरत है, बिहार में आदत लगा दिया, बिहार में लोगों को दो ही बात चाहिए, 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, कोई रास्ता में चल रहा है हमको लोग देखता है कुर्ता पजामा पहन के तो उसको पकड़ लिया, ए भैया तनी राशन कार्ड बनवा दीजिए, ए भैया नली गली दिलवा दीजिए, 400 रुपया पेंशन मिल रहा है बढ़वा दीजिए, अरे भाई अपना क्या दुर्दशा बना लिए हो। अरे जब देश आजाद हुआ गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया, जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई राजा नहीं बन सकता है। लेकिन जो गांव देहात में लोग कहता है जमींदार का राजा का लड़का भी अगर बुद्धिहीन हो नलायक हो तो अपना सारा धन संपत्ति बेच के भिखार बन जाएगा, वही हालत बिहार के लोगों का है। आपको राजा बनाने का अधिकार मिला था और आप ये जात और भात के चक्कर में पड़ के भिखार बनकर घूम रहे। ने जिस दिन वोट होता है बिहार के आदमी को दुए को बात दिखता है, हमारा जात का कौन है और कौन हमको 4 किलो भात दे रहा है। तो लालू जी नीतीश जी जात का चस्का लगा दिए, मोदी जी आए 4 किलो अनाज बांट के सबको अपना भक्त बना लिए। तो बिहार में आदमी दुए बात के लिए वोट दे रहा है, चाहे तो जात पर देगा नहीं तो 5 किलो भात पर देगा। अब भी बोरा में भर के वोट ले जा रहा है, हम लोग का बाल बच्चा सब अनपढ़ मजदूर बना हुआ। तो मेरे भाई यही हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि जात और भात से बाहर नहीं निकलोगे तो अपने बच्चों का भला नहीं कर पाओगे। मोदी आ जाए, लालू आ जाए, 1 प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। आदमी कहता है कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, हम 5,000 गांव में गए हैं, हर जगह आदमी कह रहा है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया जी तो नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड बनवाने में 2,000-2,500 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है। तो जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है तो जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था मुखिया का तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, दूध को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे इतना तो समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे आदमी बिहार में आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा, 500 रुपया लेकर अगर आप वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा तो जो आदमी जीत कर आएगा वो आपके जात का हो कि आपके झंडा का हो, जब जीत कर आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेगा और आप बाप बाप चिल्लाइएगा कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई अगर 500 रुपया लेके वोट दोगे तो हरिश्चंद्र नहीं पाओगे, नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने वोट देकर जिताया है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, अगली बार जब वोट देने जाइए वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, देखिए मोदी जी को अब ये से कह रहा है कि 2047 में
भारत को विकसित बनाने के लिए वोट दो। अरे 47 से पहले आधा से ज्यादा हम लोग ऊपर चले जाएंगे, कौन देखेगा कि विकसित बना कि नहीं बना। लेकिन अभी देश के लिए वोट मांग रहे हैं। कोई आएगा कहेगा ए भैया सब लोग अपना जात वाले को जिताने के लिए वोट दो। कोई आके कहेगा इस बार मुसलमान सबको सबक सिखाना है इसलिए वोट देना है। कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है भैया एक बार तो अब के हरी लालू जी को वापस लाना है इसलिए वोट दो। किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लीजिए वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं। यहाँ जितना मोदी जी के भक्त लोग हैं कहता है कि भैया देश को मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट दिए। मेरे भाई अगर तुम्हारा बच्चा अनपढ़ रह गया, पूरे बिहार का बच्चा अनपढ़ रह गया, तो देश मजबूत नहीं होगा, देश कमजोर हो जाएगा। जो आदमी अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता है वो देश का चिंता क्या खाक करेगा। तो एक बार ये आप मेरा बात मानिए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह देते हैं वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। एक बार आपको हाथ जोड़कर यही सलाह दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट का इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भाई चराते चराते लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और दूसरी बात, वोट चाहे अपने जात वाले को दो, मुफ्त में वोट किसी को मत दो। आप लोग दूध बेचते होंगे, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अगर आप बेच रहे हैं, अपने जात वाले को बेचे उसको 45 में बेचिएगा, लेकिन 45 रुपया तो जरूर लीजिएगा। लेकिन 50 रुपया का दूध मुफ्त में अपने जात वाले को नहीं दे रहे हो और लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में दे रहे, इसलिए कि आपको अपने वोट का दामे नहीं कीमत नहीं पता। हम आपको वो बता दे के जा रहे कि आपके वोट का कीमत कितना है, उसके बाद जिसको भी दीजिए लेकिन वो कीमत जरूर वसूलिए। लोग यहाँ कहता है एको हम गरीब आदमी हमारा एक वोट से क्या होगा। मेरे भाई एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा प्रधानमंत्री बनाते हैं वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। याद रखिए इसको। मोदी जी आके कहेंगे सड़क बनवा दिए, 4 किलो अनाज दे दिए। मेरे भाई आपके वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाज पर बेच दिए। जिसको एक वोट देकर आप बिहार का राजा बनाते हैं वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप लालू जी नीतीश को जात के नाम पर मुफ्त में दे रहे। तो आप हमको बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को बेचिए कि लालू जी को बेचिए, नुकसान आपका होगा ही होगा। यही बात आपको बताने आए। वोट आपको मोदी को देना है दो, लालू जी को देना है दो, लेकिन वोट का कीमत जरूर वसूलो। अरे अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन उससे अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार तो मांगो रे भाई। मुफ्त में काहे दे रहे, और मुफ्त में दोगे तो जिसको मुफ्त का वोट मिलेगा वो राजा बनेगा और आपके बच्चों का हक मारा जाएगा, आप जीवन भर गरीब बने रहिएगा। यही बात समझाने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं,
पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके गांव में अभी कोई दूध पिलाया है रोक के, लेकिन किसी का पीते नहीं है। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, समाज को जगाना आसान नहीं है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे, कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप आशीर्वाद दिए हैं, इतना देर से बैठे हैं, तो दुगो मीठा बात बता के तब आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति साधन पैसा दिया है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़े वो जीत के राजा होगा। इस बार ये संकल्प लेकर आए हैं, 2 बरस पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही बिहार भर के गांव को पैदल चल के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिताएं और जिताकर बिहार में जनता का राज बनाएं। और 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा, तो ताली बजाने का समय अब आ रहा, इसको याद रख लीजिए। इसका 2 संकल्प 18 महीना से गांव गांव चले हैं, जो लोग बताया है उसके आधार पर इसका 2 संकल्प जो पहला है वो बता रहे हैं। इसका पहला संकल्प है कि जब ये जनता का राज बने, तो नाली गली बनेगा चाहे न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको देंगे। और दूसरा इसका संकल्प है, 18 महीना से हम गांव गांव में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग है, जो उम्र हो गया जिसका, अब मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। तो ये तय किया है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी में से 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन मिले, इसका व्यवस्था जरूर किया जाए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबको बताना है भैया जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपके गांव से प्रस्ताव पारित करना है, बात खत्म हो गया, आपको वोट से प्रस्ताव पारित करना है। सोच के बताइए, अगली बार वोट नेता के लिए होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए होना चाहिए? जोर से बोलिए, बच्चों के लिए या नेताओं के लिए? अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए? यहाँ का आदमी बोलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड होगा यहाँ। जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात का नेता। अब सबसे कठिन सवाल, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना ना ना, जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, हम मोदी जी का जिसको चाहिए मोदी बोलो, झूठ मत बोलो भैया, पकड़ा जाओगे फिर। अरे लोकतंत्र है, जिसका नाम लेना है लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। जो देगा उसको वोट पड़ेगा, और न देगा तो उसको झाड़ू मार के बाहर भगाइए, चाहे आपके जात का हो कि धर्म का हो, तभी आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। अब एक बार एक नारा लगाकर खत्म करेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार।
जो लोग खड़े हैं सब बोलिए जय उड़ीसा, आप बिहार के लिए ना बोलिएगा। इसीलिए ना बिहार को हम लोग को बिहारी को गाली दे रहा है। अरे अपने धरती के लिए, अपने पुरखों के धरती के लिए एक नारा तो लगा लो भाई, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें फोटो सेल्फी लेना है आप प्रशांत किशोर जी के साथ ले सकते हैं, और आप सभी माता बहन भाई बहनों से निवेदन